एक आदमी ऑलमोस्ट डेली एक बूढ़ी औरत से ऑरेंज खरीदता था। उसका पैसा पे करने के बाद वो उस ऑरेंज को अपने बैग में रख लेता था, फिर एक ऑरेंज अपने बैग से बाहर निकालता था, उसे छील लेता था और एक टुकड़ा मुंह में रखकर कंप्लेन करता था कि ऑरेंज बहुत ही खट्टा है, और फिर वो ऑरेंज उस बूढ़ी औरत को वापस कर देता था और बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता था। एक बार उसकी पत्नी, जो हमेशा उसके साथ ही रहती थी, उससे पूछा कि ऑरेंज तो स्वीट रहता है, फिर तुम ये ड्रामा डेली क्यों करते हो? उस आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि ये बूढ़ी माँ जो ऑरेंज बेचती है शायद उसे कभी खाती नहीं होगी, और सिर्फ यही कारण है कि मैं अपने हिस्से का एक नारंगी उस बूढ़ी माँ के हाथ में दे देता हूँ ताकि वो भी उसे खा सके। एक वेजिटेबल सेलर जो उस बूढ़ी औरत के बगल में ही बैठता था, एक दिन उससे पूछा कि ये आदमी रोज ड्रामा करता है, रोज प्रॉब्लम करता है, तुम्हारे ऑरेंज को खट्टा बोलता है, फिर भी मैं देखता हूँ कि ऑरेंज को नापते समय तुम एक एक्स्ट्रा ऑरेंज दे देती हो। इस बात पर उस बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि ये आदमी रोज ये ड्रामा सिर्फ इसीलिए करता है ताकि उसके हिस्से का एक नारंगी मैं खा सकूं, और उसे लगता है कि मैं इसे नहीं समझती हूँ। मैं उसे कोई एक्स्ट्रा नारंगी नहीं देती हूँ, लेकिन उसके दिल में जो मेरे लिए प्यार है ना, वो तराजू को थोड़ा उसकी तरफ झुका देता है। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हम जिंदगी में हमेशा खुशी को ढूंढते हैं, लेकिन जिंदगी की असली खुशी दूसरों को प्यार और सम्मान देने में है। उसके लिए हमें कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे स्वीट और लिटिल जेस्चर काफी है।